आंकड़ों में कहीं ना कहीं इजाफा दिखाई दे रहा है, ताजा अपडेट क्या है? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर लगातार कह सकते हैं प्रदेश में और देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह के प्रयास राजस्थान की सरकार यहाँ करने में लगी है उसी का परिणाम है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर होती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए और जो चिकित्सा सुविधा है उसमें सुधार किया जाए। इसी का परिणाम है कि लगातार जो अब रिकवरी रेट है उसमें भी सुधार आता जा रहा है और मृत्यु दर में भी कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि आम जनता जागरूक हो और जिसके चलते जो है पूरी तरह से संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। जी बिल्कुल वसंत, लेकिन अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, देखिए भारत का भी रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, लेकिन अगर दूसरी ओर हम ध्यान दें तो तमाम चीजों को अब देखिए धीरे धीरे करके खोल दिया गया है। अब तो सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स जो है तमाम चीजों को भी खोल दिया जाएगा कल से। ऐसे में कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन भी है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में इजाफा हो सकता है और भी ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की यहाँ पर जरूरत है, नहीं तो एक बार फिर से हम पहले की तरह कोरोना काल में समा जाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगले एक महीने में कह सकते हैं कि कई बड़े त्यौहार हैं पूरे देश भर में, चाहे वो नवरात्र हो, दशहरा हो, दिवाली हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन की अगर पालना होगी तो निश्चित तौर पर जो है संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। हालांकि 15 तारीख से कई जगह पर कह सकते हैं राज्यों में सिनेमा घर भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन वहां भी 50% सीटें ही बुक करने के आदेश यहां दिए गए हैं। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से 9 मास्क 9 प्रवेश के आदेश निकाले गए हैं, किसी भी कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति मास्क पहन के नहीं आएगा तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ही प्लाज्मा थेरेपी पर भी काम किया जा रहा है, साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है ताकि जो संक्रमण है उसको जड़ से खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे।